हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं बाहर इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कहीं जाना है, तो मैंने सोचा कि वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। कोई भाषणबाजी वाला वीडियो नहीं है। इस समय सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं। तो मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने कोई ज़मीन खरीदनी है, और कोइंसिडेंस दूसरे ही मित्र के संपर्क में ये ज़मीन है, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो वो जगह भी दिखा देंगे। रोज़ रोज़ भाषण सुन सुन के आप लोग भी पक जाते होगे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ आउटिंग हो जाएगी, कुछ नई जगह मुझे भी देखने को मिल जाएगी। ये जगह जो है वो गोवा में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसके पास है, महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे। गोवा के अंदर ही है, महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे है, एयरपोर्ट के पास है। और तो मैंने कहा चलो आज, अभी धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है, बहुत दिनों बाद, मतलब कल कम बारिश हुई है और आज अभी तक तो सुबह से बारिश हुई नहीं है, तो थोड़ा सा मौसम बड़ा अच्छा है, धूप बहुत चुभ रही है, पर चलो अच्छी बात है। लोग फिशिंग कर रहे हैं यहाँ, आगे भी मेरे सामने पीछे भी आप देख रहे होंगे। तो आपको एक नई जगह दिखाते हैं, मैं भी नई जगह देखूंगा। पहली बार बस वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, मेरा घर सेंटर पॉइंट पे है, तो दोनों ही यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो जो भी अच्छा अच्छा व्यू या जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शूट कर पाया और आपको वीडियो में बता पाया, तो उसकी मैं कोशिश करूँगा। तो चलो थोड़ा सा आपको अभी ये व्यू दिखाता हूँ जब तक वो लोग नहीं आते हैं। कल भी दोस्तों 3 से 4 सब्सक्राइबर आए मुझसे मिलने, और जिसमें से 4 में से 3 तो दिल्ली से थे। और कमाल की बात ये है कि उनको मेरे यहाँ का एड्रेस भी नहीं पता था, और ऐसे ही जैसे मैं ये वीडियो में अभी लोकेशन दिखा रहा हूँ, इस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए वो लोग आए। हाँ, कल 4 लोग आए, जिसमें से मतलब एक तो ग्रुप था, जिसमें से वो एक अपने फ्रेंड्स को लेके आए, तो उनके बाकी फ्रेंड्स जानते ही नहीं थे मेरे बारे में। और भी कई लोग थे, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो लोग मतलब कई कई महीनों या साल भर से मेरे वीडियो देख रहे थे। तो वही चीज़ है, फ़ोन आ गया है और वो गाड़ी मेरे सामने ही है, इनकी गाड़ी है। ये उन्हीं की ही गाड़ी है। तो दोस्तों ये है, मैं इसको सड़क समझ रहा था, ये सड़क नहीं है, पानी आने का रास्ता है। बारिश में यहां से पानी आता है, ये सड़क नहीं है, पानी आने का रास्ता है। मुझे लगा ये रास्ता है, ये बारिशों में यहाँ से पानी बहुत बहता है, मतलब नहर की तरह, तो इसलिए उन्होंने कहा बारिश होगी तो पानी बहुत बहेगा। तो फिर गाड़ी हमने साइड में दबा करके लगाई है, और ये जो जिनके जो लैंड ओनर है उनकी गाड़ी है। लैंड तकरीबन काफ़ी बड़ा लैंड है, मेरे ख्याल से 30 एकड़ होगा। किससे जाना है? इससे? अच्छा, अब ये फैसला हुआ कि हम आगे इस पिकअप में जाएंगे, और क्योंकि ये आगे ये वाली कार नहीं जाएगी, क्योंकि ये कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है कम होता है, इसका ज्यादा है। देखो ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देख लो और इसका देख लो, तो अब हम इससे जाएंगे। इसको पकड़ना जरा, मैं चढ़ते हुए शूट करूंगा, अगर वीडियो तो बन ही जाएगा। ये एक्सपीरियंस थोड़ी मिलने वाला है दोबारा। पता नहीं, लेकिन आज का ट्रैकिंग और भी। अभी बच्चे ये वीडियो देखेंगे ना, कहेंगे हमें क्यों नहीं लेके गए। एडवेंचर हो गया ना।
पेड़ टकरा रहे हैं। अच्छा इसको जरा जेब में डाल लेना, मेरे पास जेब पॉकेट नहीं है। जंगल बीच जंगल सफारी का फील आ रहा है। अब आज रात को ना मैं 9 बजे यही वीडियो डालूंगा, लोग कहाँ चले गए तू, क्योंकि आज कोई वीडियो तो डलेगा नहीं। अच्छा अगर हम गर्मियों में आते तो इतना हरा नहीं मिलता ना, फिर तो मिलता है इतना। अच्छा पानी है ना, हाँ वो है, कैनल है, पहाड़ों में पानी भर जाता है ना, सारा साल वो चलता रहता है। अच्छा पानी वो पूरा साल के लिए यहाँ पे जो पानी ये करेगा, हाँ ये पानी सारा स्टोर कर लेगा अभी और सारा साल वो चलता रहेगा। आपके घर में भी तो आता है वो सारा साल पानी? सरकारी नल है ना, उसको पानी नहीं आता है, मतलब एक दो महीने गवर्नमेंट के नल में नहीं आएगा पर पहाड़ों वाले में आएगा। पर कितने फीट है सड़क की? एक कैनल, एक रास्ता भी है, एक साइड भी है। एक कम से कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे फॉर्च्यूनर ही आ रही है। यहाँ पे ना बोलेरो ना, बोलेरो ऊपर ना, बोलेरो फॉर्च्यूनर वो गाड़ियाँ तो जिनका हाई ग्राउंड क्लियरेंस है और इंजन हैवी है। डस्टर भी आ जाएगी उसका, 205 mm का, कार मतलब 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है डस्टर का। 200 तो वही देती है, इको स्पोर्ट्स भी देती है। गिरेगा तो अंदर गिरेगा। निकल जाएगी।
मैंने कहा यार ये तो एक टायर हवा में रहेगा। हम दोबारा अपनी तो मैं ये सोचा मैं तो करते हैं पर जमीन पे ना पहुंच पे जीपीएस आई। बारिश शुरू हो गई यार, मैंने अम्ब्रेला नहीं लाया, मैंने सोचा गाड़ी से उतरेंगे जमीन देखेंगे गाड़ी में घुस जाएंगे। अरे मेरे पास तो 3 दिन अम्ब्रेला थे, मैंने तो इसलिए नहीं लाया गाड़ी पार करेंगे। उनको बता दो ऊपर लोग भी है गाड़ी में। यार ये यहाँ पे कौन रह रहा होगा, इसको ब्रेक भी लेनी होती होगी। ये तो कोई रास्ता है नहीं, उससे पहले पूछो कि भाई जाता होता कैसे है। घर तो ले लिया, बारिश तो हो गई तेज, हो गई तेज, हो गई हो गई हो गई। अरे यहाँ तो सब पेड़ भी काट दिए बारिश से बचने के लिए, है भी नहीं जगह। टूरिज्म डे हो गया है। पत्तों वाली लकड़ी तो दी जाती है जब बिना पत्तों के। अरे अरे मैं तो फोन भी नहीं रोकूंगा। तो दोस्तों ये वो जगह है और यहाँ पर कुछ मुंबई के लोगों ने अपने लैंड लिए हुए हैं, 3-3 acres लैंड ले लिया है, तो बिल्कुल कटा हुआ पर इन फ्यूचर के हिसाब से, पर जगह देखो आप। और हमें अपनी गाड़ी पार करके, हमें ये टाटा महिंद्रा पिकअप है, शायद इससे आना पड़ा। चले आगे, अब तो बारिश रुक गई। इसीलिए कहते हैं गोवा में मोबाइल भूल जाओ पर छाता नहीं भूलना चाहिए। मोबाइल पर्स घर छोड़ दो पर अम्ब्रेला साथ में रहना चाहिए। हाँ मैंने भी एक्चुअली में यही सोचा, मेरे पास तो 2-3 थे, मैं कहा मैं डाल लेता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार वो जहाँ जा रहे हैं गाड़ी तो है ही है। तो
ये जगह को तो ट्रैकिंग के हिसाब से, एडवेंचर स्पोर्ट्स के हिसाब से प्रमोट किया जा सकता है। एयरपोर्ट से सीधा यहीं लाओ, अभी तक तो वो बैठा होगा एयर फ्लाइट के अंदर मजे से सीट पे, फिर उसको लाओ पिकअप में। हाँ नहीं फील उसी में, गाड़ी में आके मजा भी नहीं आया। ये तो समझ लो आप पहाड़ खरीद रहे हो नीचे। रेट होता होगा ना जैसे भीमताल में, मीटर मीटर यहां से नीचे 4 खच्चर और 8-10 लकड़ियां, कि जिसको खच्चर पे बैठने में दिक्कत है वो लकड़ी से चढ़े। ये वीडियो देख के ना मेरे बच्चे कहेंगे पापा हमें क्यों नहीं लेके गए, उन्हें बड़ा मजा आता है ये सब करने में। हाँ पहाड़ों पे मिट्टी में खेलना चलना। ये सोलर है, इसका गर्मी में बड़ा फायदा रहता है, ठंडक रहती है इसका। क्या बोलते हैं इसको, खपरेल? खपरेल हमारे खपरेल बोलते हैं। यहाँ मतलब इन्होंने हट बनाया हुआ था, वो बारिश में कह रहे गिर गया। अच्छा कितना बड़ा ये टोटल एरिया, कितना बड़ा है? 9 acres 17 kuntha 37 square meter। ये कितना हुआ टोटल एकड़ में? ये जो अच्छा वैसे ही कह रहे 105 एकड़। अच्छा वैसे टोटल 105 एकड़ एरिया, इनके पास 9 एकड़ है। अच्छा दो पार्ट है, 1-2 घोड़े और रखने चाहिए दिखाने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, ये पहाड़ है एक, ये देख रहे हो आप पहाड़ की जमीन है और ये सेल हो रही है। कुछ खरीदे हैं मुंबई के लोगों ने 3-3 एकड़ लैंड, इनके पास 9 एकड़ है, टोटल 105 एकड़ एरिया है। और ये जगह महाराष्ट्र में पड़ती है, मतलब गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, तो एज ए पिन कोड महाराष्ट्र में है। गोवा में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है मोपा एयरपोर्ट, वो यहाँ से कुछ 15 से 20 किलोमीटर है। ये इको टूरिज्म वाला है वैसे, नहीं हम इसको फ्यूचर के हिसाब से है। अभी कोई ऐसे लेके घर बनाए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो तो आज के लिए नहीं, उन्हीं लोगों के लिए जंगल एडवेंचर। वो शेर भी आता है, यूएसपी है, शेर भी मिलेगा यहाँ देखने को बिना चिड़ियाघर। और वो क्या ऑर्गेनिक शेर, मतलब कि नेचुरल फॉर्म में, जो आपको भी कह सकता भैया आज खाना नहीं मिला चलो मेरे साथ। नहीं दादा खरीदे पोता बरते वाला भी सिस्टम है, दादा खरीदे पोता भी वही गए, मेरे दादाजी ने यहाँ शेर निकाला था। ये देखो पपाया के पेड़ हुआ है इन्होंने, उपजाऊ बेल्ट है बरसात यहाँ पे, ऊपर वाले की पूरी मेहरबानी। वेस्टर्न घाट का पूरा वो ये वेस्टर्न घाट है ना सारा, वेस्टर्न घाट हुआ ना, ये वेस्टर्न घाट है ये। वेस्टर्न घाट आपको कुआं दिखाते हैं, अब कुआं बावड़ी बोलते हैं इसको यहाँ पर, बावड़ी।
ओ मैं आपको फ्रंट कैमरा करके दिखाता हूँ अपनी शक्ल, क्या दिखाऊंगा।